अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़ा के सचिव रहे महंत नरेंद्र गिरी की मौत को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। इसी बीच महंत के 11 पन्नों के कथित सुसाइड नोट ने खलबली मचा कर रख दी है। इस सुसाइड नोट में महंत नरेंद्र गिरी ने अपने शिष्य रह चुके आनंद गिरी पर मानसिक प्रताड़ना करने का आरोप लगा दिया। उत्तराखंड पुलिस ने आनंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ जारी है, लेकिन आनंद गिरी कौन है ये हम आपको पहले बता चुके हैं, लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे खुद को घुमंतु योगी कहने वाले आनंद गिरी की लाइफस्टाइल अब चर्चा में आ गई है। महंगी गाड़ियों और महंगे फोन यूज करने वाले आनंद गिरी ने भले ही संत बनने का फैसला बचपन में कर लिया हो, लेकिन सांसारिक मोहमाया को वो छोड़ नहीं पाए और इसी वजह से अब वो विवादों में आ गए हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा के सरेरी गांव का अशोक चोटिया के आनंद गिरी बनने का सफर काफी लंबा रहा। घर से हरिद्वार जाने के बाद वो सीधे नरेंद्र गिरी के पास पहुंचे तो उन्होंने अपनी शरण में ले लिया। बचपन से लेकर शिक्षा दीक्षा दिलाने तक महंत नरेंद्र गिरी ने उन्हें अपने साथ रखा। घर वालों को जब चिंता सताने लगी तो महंत नरेंद्र गिरी ही थे जो आनंद गिरी को उनके माँ बाप और परिवार से मिलाने पहुंचे। सभी के सामने शिक्षा दिलाकर अपना शिष्य बना लिया, लेकिन अब आनंद गिरी सवालों के घेरे में है। खास तौर पर अपनी लाइफस्टाइल को लेकर वो चर्चा में है। आनंद गिरी को उनके गांव में काफी लोग मानते हैं, वो वहां पूजनीय हैं। महंत नरेंद्र गिरी के मामले में उन पर लगे आरोपों को लेकर अब सरेरी गांव के लोग भी सकते में आ गए हैं। कहा जाता है कि आनंद गिरी हमेशा भगवा कपड़ों में रहते हैं, लेकिन ये कपड़े भी हजारों रुपए के मिलते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में महिलाओं से छेड़छाड़ और हवाई जहाज में कथित रूप से शराब के साथ फोटो को लेकर वो विवादों में आ चुके हैं। आनंद गिरी प्रयागराज में संगम तट पर लेटे हनुमान मंदिर में महंत नरेंद्र गिरी के सबसे विश्वसनीय पात्र थे, इसीलिए उनको छोटे महाराज या छोटे महंत कहा जाता था। आनंद गिरी यूं तो लग्जरी कारों के शौकीन है। प्रयागराज में उनके करीबी बताते हैं कि चमचमाती होंडा सिटी उनकी पसंदीदा गाड़ी है, लेकिन इसके अलावा वो कई बार मर्सिडीज और BMW में भी सैर करते हुए दिखाई देते हैं। आनंद गिरी विदेशों में भी योगा और प्रवचन के लिए जाने जाते हैं। बताया जाता है कि जब उनका गुरु के साथ विवाद बढ़ने लगा तो वो ज्यादातर समय विदेश में ही बिताने लगे और वहाँ के लोगों को योग सिखाने लगे। विदेशों में व्लॉग करते हुए उनके वीडियोस भी काफी वायरल हुए हैं। लग्जरी चार पहिया वाहनों के अलावा आनंद गिरी को बुलेट भी पसंद है। माघ मेले के दौरान अक्सर उनको बुलेट पर देखा जाता है। वो कभी कभी बुलेट पर स्टंट भी करते हुए नजर आते हैं। तब भी उनके हाथों में एप्पल कंपनी के 2 मोबाइल होते थे। वो जल्दी जल्दी मोबाइल फोन्स बदलते हैं। उन्हें आईफोन्स काफी ज्यादा पसंद है। हालांकि इसी साल आनंद गिरी पर चंदे के पैसों को परिवार को देने का आरोप लगता रहा है। आरोप ये भी लगा कि आनंद गिरी मटके रुपयों को इधर उधर करने के साथ ही अपने परिवार को भेजते हैं। आपको बताते चलें कि किसी भी अखाड़े की ये परंपरा होती है कि एक बार दीक्षा लेने के बाद संत अपने परिवार से कोई नाता नहीं रखता है। हालांकि परिवार का कहना है कि उन्होंने अपने बेटे को संत बनने के बाद केवल 2 बार देखा है। आनंद गिरी का कहना है कि वो अपने परिवार को 25 साल पहले ही छोड़ चुके हैं। जो उन पर आरोप लग रहे हैं वो गलत हैं। बताया जाता है कि आनंद गिरी अपने घर में सबसे छोटे रहे हैं। पिता गांव में ही खेती बाड़ी करते हैं। एक भाई सब्जी का ठेला लगाता है और दूसरा भाई सूरत में कबाड़ का कारोबार करता है। माँ की कुछ महीनों पहले मौत हो चुकी थी। 3 भाइयों का परिवार गांव में ही अपने बने पैतृक गांव में रहता है, लेकिन अब आनंद गिरी अपने गुरु की मौत के बाद सवालों के घेरे में आ गए हैं।